ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਉਹ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਦ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਦਿਸ ਕੇਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਨਾ सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को साल 2015 के ड्रग्स हॉल केस में जमानत दी है जिसमें पंजाब सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में खैरा को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। इस मामले का आरम्भ तब हुआ जब साल 2015 में फाजिलका के जलालाबाद में एक ड्रग स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश हुआ। इसमें 2 किलो हेरोइन, 24 सोने के बिस्किट, एक देसी बंदूक, एक .315 बोर पिस्टल और 2 पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद किए गए थे। इस केस में खैरा के करीबी सहयोगी गुरुदेव सिंह समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से बाद में आरोपी दोषी करार किए गए थे। आपको बता दें कि इस चार्जशीट के अनुसार खैरा गुरुदेव सिंह से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, जो फाजिलका के ड्रग स्मगलिंग रैकेट का नेता था और उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने उसे शरण दी, ड्रग ट्रैफिकर से वित्तीय लाभ प्राप्त किया। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जस्टिस बी.आर. गवई और विक्रम नाथ के नेतृत्व में खैरा के खिलाफ ड्रग केस में जारी किए गए समन को रद्द कर दिया गया। बेंच ने कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 को केवल उस समय लागू किया जा सकता है जब परीक्षण के बाद आदेश की घोषणा की गई हो। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि ये मामला वहां समाप्त हो गया तो ट्रायल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने केस में आगे की जांच का आदेश कैसे दिया। अगर खैरा शुरू से ही शामिल थे तो आपने उन्हें चार्जशीट में क्यों नहीं शामिल किया। उन्हें तो पूरी परीक्षा समाप्त होने के बाद ही आरोपी के रूप में नामित किया गया था, बेंच ने कहा। लूथरा ने कहा, जब धारा 319 CRPC के तहत समन की चुनौती लंबित थी तो सुप्रीम कोर्ट ने खैरा के खिलाफ कार्रवाई को रोक दिया था और जांच आगे नहीं बढ़ाई। इसके बाद 4 जनवरी को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने खैरा को जमानत दी, जिसके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। पंजाब सरकार ने यह दावा किया कि हाई कोर्ट ने केस के सभी तथ्यों को नज़रअंदाज कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की अपील को खारिज करते हुए खैरा की जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया। बेंच ने पंजाब सरकार के वकील सिद्धार्थ लूथरा को कहा कि हालांकि खैरा के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लेकिन केस के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए वहां हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि खैरा को ड्रग केस में जमानत मिलने के बाद भी उनकी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई हैं और उन पर एक और मामला दर्ज है जिसमें उन्हें एक महिला को धमकाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 195A झूठे साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकाना और 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज है। खैरा ने इस मामले को झूठा और राजनीतिक साजिश का नतीजा बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बदनाम करने के लिए उन पर निरंतर झूठे मामले लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री को इसके पीछे का मुख्य षड्यंत्रकारी बताया है। वहीं पंजाब सरकार ने खैरा के खिलाफ जारी किए गए समन को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। पंजाब सरकार के वकील ने कहा है कि उन्हें खैरा के खिलाफ और सबूत मिले हैं जिनके आधार पर उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और विवादास्पद मामला है जिसमें राजनीति, न्याय और ड्रग्स का मिश्रण है। इस मामले का अंतिम फैसला अभी बाकी है और इसके परिणामों का प्रभाव पंजाब की राजनीति और समाज पर पड़ सकता है। तो ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एयर न्यूज़।